ने जी मीडिया से कहा कि नए साल को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है। एसएसपी ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए विशेष पेट्रोलिंग टीम रहेगी और शराब को लेकर कई जगह चेकिंग टीम भी लगाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पटना के एसएसपी मनु महाराज। सर, आज 31 तारीख की रात के लिए और कल 1 जनवरी है, नए साल है, उसके लिए क्या क्या आपने एहतियात बरती है, पटना शहर में क्या क्या निर्देश दिए हैं? विशेष टीम का गठन किया गया है, कई जगह पर विशेष गश्ती दल बनाए गए हैं, विशेषकर जहां पे भीड़ होगी जैसे कि पार्क वाले इलाके, उसके अलावा मॉल्स वगैरह के आसपास भीड़ भाड़ वाले इलाके, होटल्स, सिनेमा हॉल्स वगैरह, और जो होटल्स वगैरह हैं जिन्होंने स्पेशल डिमांड भेजी है कि कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर विशेष गश्ती दल का हम लोगों ने गठन किया। उसके अलावा सभी थाना प्रभारी एक्टिव हैं, कई टीम्स हमारी निकलेंगी, SDPO, CTSP अपने निकलेंगे और सब मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन खास करके शराबबंदी है, उसको लेकर के क्या जो खबरें आती रहती है कि शराब पकड़े जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी कोई एहतियात बरते हैं आप लोग? कई जगह पे हम लोगों ने चेकिंग की टीम्स लगाई हैं और ब्रेथ एनालाइजर के साथ उनको खड़ा किया है। जगह जगह पर रैंडम चेकिंग होगी कि कोई जो चला के आ रहे हैं गाड़ी वगैरह और कई जो उसमें स्टूडेंट्स वगैरह हैं, लड़के हैं, वो शराब पी के ना आए, तो ब्रेथ एनालाइजर के से भी स्पेशल पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर चेकिंग की जाएगी। लेकिन जो होटल में या पार्क में या फिर कहीं रेस्टोरेंट में, इस सब का व्यवस्था की गई है कुछ? निश्चित रूप से होटल चेकिंग होगी, रैंडम चेकिंग होगी, और सूचना के आधार पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारा नंबर जो है सब जगह फ्लैश हो रहा है, मेरा नंबर भी है, सब SDPO का नंबर भी है, डायल 100 नंबर भी है, तो जहां से सूचना मिलेगी उसमें हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पटना के SSP मनु महाराज, कैमरामैन अजय झा के साथ धीरज ठाकुर।